दूसरे दिन क्या हुआ, अब वो इंजन जो था वो हम बंद कर देते थे कि स्विच ठीक हो गया। नेक्स्ट डे हम गए अपनी गाड़ी का डीजल डलवाने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग डीजल, हमारा इंजन ऑन रहता था, उस दिन हमने इंजन ऑफ रखा। और वहाँ पर हर जगह पे इंजन जो आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो चलते नहीं है। तो मैंने अपने लड़के को जो कैमरामैन था उसको मैंने बोला, मैं लुकमान तू यार डीजल डलवा, मैं ना पता करके आता हूँ कि कार्ड लेते कि नहीं। मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उसने डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया मेरी गाड़ी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 28 लीटर पेट्रोल उसमें जा चुका था और फॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी का इंजन बंद था। अगर वो खुला होता तो गाड़ी का इंजन उड़ जाता। अच्छा, अब वहाँ पर हमारी बहस हो गई। तो मैंने कहा आपकी गलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप डीजल, आपने वहाँ लिखा भी हुआ था। जी, 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 जी। तो वो सारा कुछ उनका जो ओनर था वो देख रहा था, वो आ गया तो उसने माफी मांगी कि हम, हमारे बंदे से गलती हुई है। जी, सर। अब शाम हो गई है, मेरे पास तो कोई यहाँ गैरेज है नहीं। मुझे फिर शाहरुख की याद आई, फिर मैंने शाहरुख को फोन किया, बोला मजीद व्हाट, मैं कहा आई एम इन सिचुएशन, दिस थिंग हैज हैपेंड, कहता डोंट वरी आई विल सेंड द टो ट्रक। तो टो ट्रक आया घंटे के बाद, हमने गाड़ी उस पर लोड की। लोड करने के बाद वो शहर से बाहर कहीं एक गैरेज था जिसमें डेढ़ घंटा लग गया। रात को हम 9:30 बजे के करीब उस गैरेज में पहुंचे और सिर्फ एज अ ह्यूज गैरेज, 1,00,000 स्क्वायर फुट का वो गैरेज होगा। उसका ओनर जो था वो आया, जो शाहरुख का दोस्त था, तो उसने बोला सर अब तो आप लेट हो गए हो, 10 बज रहे हैं जी। तो हम आपकी जो गाड़ी है ना वो सुबह ठीक करेंगे और आपको मैं सुबह अपडेट करूंगा, आपके होटल से आपको पिक कर लूंगा। ठीक है। तो सुबह 6 बजे उसका मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सब आपका हमने टैंक निकाल दिया है, ये इसकी फोटो है, हमने ये फिल्टर निकाल दिया, हमने ये चेंज कर दिया, हमने वो चेंज कर दिया। मैंने कहा कल तो बच गए, आज तो बिल बना ही बना। वो आया हमें लेने के लिए, लेके गया, आज तो उठा गया पहाड़ के नीचे। वहां गए, वहां गाड़ी खड़ी हुई थी ठीक ठाक बिल्कुल, और वहाँ बाहर वॉशिंग हो रही थी। कह रहा सर आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसको वॉश करवा दूँ। हाँ। मैंने कहा अब ये वॉशिंग के भी पैसे लगाएगा। जी, 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 उसने गाड़ी वॉश वुश कराई, उसके बाद सब कुछ ठीक चमक गई गाड़ी। तो मैंने कहा बॉस पैसे। कहता पैसे किस बात के पैसे? सीरियसली? यस, मैं ये बड़ी सुनने वाली बात है और ये मैंने कम से कम 1,000 से ज्यादा लोगों को मैंने बताई बात है। कहता किस बात के पैसे? मैंने कहा यार तुमने गाड़ी ठीक करी है, मेरा इतना सारा काम करा है। कहता अगर मैंने आज आपसे पैसे ले लिए हाँ। तो आप सारी दुनिया को बताओगे कि मैं वहाँ गया था और वहाँ के एक बेवकूफ आदमी की वजह से मुझे पैसे देने पड़ गए अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए। तो ये मेरे मुल्क की बात है जी सर। तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, ये था नेशनल करेक्टर। तो ऐसी कहानी अगर हम कर पाए किसी गोरे के साथ, किसी फॉरनर के साथ, तो हमारे वो मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे थ्री व्हीलर वालों से, टैक्सी वालों से, होटल वालों से, खास और से उन टूरिस्ट गाइड से जो लोगों को गुमराह करते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। और हम हर हिंदुस्तानी, एक एक हिंदुस्तानी अपने देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है अगर ही बिहेव राइट। बिल्कुल सही कहा आपने सर, एक बहुत ही बढ़िया मैसेज था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पैसों की भाग दौड़ में हम अपने एथिक्स को भूल जाते हैं। बट दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल।